वहाँ भी कटिहार में मार दिया गया और नदी में फेंक दिया गया, गाड़ दिया गया। ये कटिहार में हुआ और यहाँ क्या हुआ, बगल में पटना में बराबर इस तरह की घटना कलई को लेके होती है, जहाँ उस दिन कितने लोग बालू के लेके मारे गए। ये कटिहार की घटना पहली घटना नहीं है। देखिए कटिहार कहने को है वो भागलपुर के पीरपैंती और कटिहार के बीच का इलाका है, वहाँ पर बराबर इस तरह की घटना कलई को लेके होती है। और दियारा में हमने तो बहुत कोशिश करके एक चौकी भी बनवाई थी, वो चौकी भी हटा दी इन लोगों ने। इसी के वजह से वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया। और अभी चर्चा हो रही है कि कटिहार में हुआ और यहाँ क्या हुआ था, बगल में पटना में डीजीपी के ऑफिस से बगल में जब इन्वेस्टर मीट हो रहा था जिस दिन, जहाँ उस दिन कितने लोग बालू के लेके मारे गए। ये कटिहार की घटना पहली घटना नहीं है, इस तरह का गैंगवार पटना जिले में भी हुआ बालू को लेकर, और वहाँ होता है कलई और जमीन को लेकर। और जिस तरह की घटना हुई है वहाँ पर एक परमानेंट चौकी बनानी चाहिए, लेकिन अपराध और अपराधियों का मन बढ़ गया है, तभी तो ऐसी घटना हो रही है। और जो संख्या बताई जा रही है उससे ज़्यादा लोग मारे गए। बालू वाले में भी जो मीडिया की प्रारंभिक रिपोर्ट थी और सरकार की रिपोर्ट, दोनों में अंतर था। और वो मार देते हैं और वहीं पर बालू में गाड़ देते हैं, वहाँ भी कटिहार में मार दिया गया और नदी में फेंक दिया गया, गाड़ दिया गया। तो ये बहुत दुखद है, इसको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कटिहार की घटना आई ओपनर है और उस पर अगर सरकार आंख बंद किए रहेगी तो ये घटनाएं बढ़ेंगी, इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, आज 13 दिल्ली के लिए है, आप बिल लीजिएगा तो बहुत। हाँ,